सो दोस्तों अभी बज रहा है 1:30, अभी वीडियो एडिट करके ख़त्म की है और अभी बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। ये 1:30-2 बजे वाली जो क्रेविंग होती है ना, कुछ ज़्यादा ही होती है, मुझे कुछ खास कर कुछ ज़्यादा होती है। तो हाँ, फिलहाल अभी मेरे पास रखा हुआ है ये पास्ता, तो हम ये पास्ता बनाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे पास्ता बनाना नहीं आ रहा, तो मैं एक दोस्त को कॉल करने वाला हूँ। वो 2 बजे जगी रहती है, उसका काम होता है, वो पढ़ाई करती है रात को, तो उसको थोड़ा तंग करेंगे आज। उसको कॉल करेंगे और उससे पूछते हैं कि पास्ता कैसे बनाना है, तो अभी कॉल करते हैं। सो दोस्तों, मैंने पास्ता बनाना शुरू कर दिया है। तो ये है मेरा पास्ता, यहाँ उबल रहा है। ये इसकी सॉस है जो साथ में मिली थी, और ये मैं अनियन चॉप कर रहा हूँ, तो इसका हम लोग ग्रेवी बनाएंगे अच्छा इस सॉस के साथ मिक्स करके। और ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है, ये किसने दी हमें? कनिका जी ने। तो रात के 2 बजे भी हमारी मदद करने आई है कनिका, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो कनिका, कैसे हो आप? आई एम गुड। 2 बजे भी आपको उठाया, क्या कर रहे थे आप अभी? थोड़ी बहुत पढ़ाई। चलो अच्छा यार, मेरे को बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने सोचा पास्ता बनाते हैं आज। तो ठीक है, फाइनली हमारा पास्ता बन रहा है, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हर। हाँ तो दोस्तों, जल्दी से बनाते हैं। ये अनियन चॉप कर दिए हैं, ये इसका सॉस रखा हुआ है, तो इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे तवा पे डाल के, एंड फिर ये पास्ता उसमें मिलाएंगे। तो हाँ, देखते हैं कैसी बनती है, एंड ख़राब बनी तो इसका क्रेडिट भी इसमें को जाएगा, क्योंकि यही हमारी हेल्प कर रही है। और अच्छी बनी तो भाई हमने बनाई है, अच्छी तो बनी है। वैसे किचन की हालत थोड़ी ख़राब है, तो ऐसा ही होता जब लड़के लोग खाना बनाते हैं, तो इसको इग्नोर करना। बाकी पास्ता बनते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, रेसिपी शेयर वैसे मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, बट स्टिल आपके लिए कर देता हूँ। कि पहले मैंने डाल रखा है ये पास्ता उबलने के लिए, यहाँ मैं चॉप कर रहा हूँ अनियन, और ये सॉस दिया हुआ था, तो इस सॉस को पैन में डालेंगे, तो मैं वो करके आपको दिखाऊँ। तो ये चॉप मिर्ची और ये अनियन तैयार है हमारी, पैन भी रेडी है, हमने घी भी अच्छी में कर रखा है ये सॉस। तो चलो पहले मिर्ची डालते हैं, जैसा कनिका ने हमें बताया। सो हमने ये थोड़ा सा प्याज मिर्ची डाल के इसको पैन में हमने गर्म कर लिया। अब इसमें डालेंगे ये सॉस जो इन्होंने बताया, वो सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये डाल दी सॉस, तो करते हैं मिक्स। धीमी आंच में रख दिया। तो दोस्तों ये हमारा पास्ता, ये हमारी सॉस, तो डालते हैं इसे। हमारा इसको मिलाते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अभी इसको पहले मिलाते हैं अच्छे से, फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल हमारा खाना खजाना चल रहा है रात के 2 बजे, एंड देखते हैं कैसी बनती है। तो दोस्तों, एट लास्ट हमारी हो गई है ये पास्ता रेडी, और बहुत ही ऑसम दिख रही है, लाल कलर जैसा कि मुझे पसंद है। तो खट्टा मीठा हमने बनाया है इसको, एंड इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से कैसा बने। तो ये स्पून डाला हमने, बहुत ज़्यादा आ गए थोड़ा सा, तो हाँ आप इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत टेस्टी बनाई है, और ये प्रॉपर लग रहा है, रेस्टोरेंट वाली फील दे रहे हैं। और सारा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जाता है हमारी दोस्त को, बहुत बढ़िया बनाया है, और सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है। एंड यार इतना अमेजिंग खाना 2 बजे, वाओ। हाँ फिलहाल सॉस मिल गया था मैं रेडीमेड, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि बन जाएगा इतना ज़्यादा। मैं इससे अच्छा तो मैगी बनाई आज तक मैंने 2 मिनट्स, बट ये भी बहुत अच्छा बना है। हाँ तो फिलहाल अभी इसको इंजॉय करते हैं, एंड 2 बजे वाली क्रेविंग को अपनी ख़त्म करते हैं इसे खा के। बहुत ज़्यादा है तो इसको आधा ही खाऊंगा मैं, एंड हाँ फिलहाल इसको मूवी देखते हुए इंजॉय करके ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच कनिका मेरी हेल्प करने के लिए। अब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें भी टाटा बाय बाय, और ठीक है इसको इंजॉय कर लो, बाय। तो दोस्तों अभी किचन की बात की जाए तो कुछ ऐसा किचन है, थोड़ा ख़राब पड़ा हुआ है हमारा किचन, बट कोई बात नहीं, फिलहाल अभी ऐसे काम चला रहे हैं हम लोग। हाँ तो बस खाने पे ध्यान देते हैं, बैचलर्स का घर है तो ऐसा ही होता है किचन हमारा, और खाना बन गया, बस इसको एंजॉय करते हैं। सो दोस्तों, हम पास्ता लेके आ गए अपने डेस्क पे, और ये रही हमारी मूवी, ये रही एडिटिंग,
तो बस पास्ता खाते, इतनी मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, तो इसको हम मजा लेते हैं और मूवी देखते हैं साथ ही साथ। सो दोस्तों, पास्ता की बात की जाए तो मैंने ये पास्ता यूज़ किया था, 5 मिनट यम पास्ता। ये अराउंड 200 ग्राम से और ये मुझे पड़ा 50 रुपये का। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सॉस बना बनाया मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली इसको कुक कर सकते हैं। और इसमें तीन तरह के आते हैं पीसेस, लाइक इसमें स्ट्रेट भी आता है, रिंग वाला भी आता है, कर्व पास्ता भी आता है, तो तीनों तरह का फ्लेवर मिल जाता है आपको, वो अच्छी बात लगी। और मुझे इसको बनाने में लगा अराउंड 15 मिनट। इसमें जो क्वांटिटी आती है, आराम से दो लोग इसको आराम से खा सकते हैं, तो मैंने और मेरे भाई ने शेयर किया था, हमने आराम से खाया, तो बहुत अच्छा लगा और पेट भी भर गया हमारा। और बात की जाए जो मेरे को सबसे अच्छी टिप दी कनिका ने, जो मुझे टिप दी कि जब मैं पास्ता को उबालता हूँ, उसके बाद जब ठंडे पानी से छानता हूँ मैं, तो थोड़ा सौगी सौगी हो सकता है, तो उसके लिए आप उसको फैन के नीचे, फैन एकदम हाई स्पीड पे करके उसके नीचे 2 मिनट रख लीजिए, उसके बाद बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा है उसका शेप आता है। तो मैंने वो ट्राई किया और मुझे सीरियसली आज बहुत अच्छा लगा इसे देख के, कि सॉगी नहीं हुआ मेरा, एकदम अलग लग रहा था और बहुत अच्छा लगा बनाने में। तो फिलहाल हाँ, ये कुछ टिप्स थे और जो मैंने चीज़ यूज़ की वो आपको बता दिया। हाँ बस दोस्तों, फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं आज, ज़्यादा कंटेंट तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, फिलहाल सिर्फ हमने पास्ता बनाया, 2 बजे वाली क्रेविंग थी, सोचा बना भी लेते हैं आपको दिखा भी देते हैं। तो फिलहाल यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।